సూచన వాళ్ళు ఏవయ్యా దాదా భీష్మ పితామ గలవ గంగా మాయకి वही करार पे खड़ा हो गल हुआ आ ओस में कहलन का मास्टर तो सुनी के पुकार गंगा महारानी बिलाप करत हुआ पुकार करत हुआ गंगा माई का अरे सुनी के पुकार गंगा महारानी अब पेटवा फिसंग से बोली पुकार खिलन पुकार सुन के गंगा माई प्रगट भइले देखली दादा भीष्म पितामह के कलिन कास दादा भीष्म पितामह खलन बस आपका दर्शन मिल गल अम्मा तारी एक चीज हमके बता दा बारे बेटा ऐसा तो बेटा निकला अरे मैंने तुम्हारे जैसा बेटा संसार में मैंने कहीं नहीं देखा क्या बात है तुम तो स्वार्थी बेटा हो गंगा माई कहो थे का खाली मास्टर गंगा माई कहो थे का खाली अरे की हल्की तो है जनमाई हो बेटा भीष्म पितामह से कहती का खाली अरे की हली तो है जग माई हो बेटा हे अरे कबो न जनला हम के माई इतना हम ना जल्ले कि दुस्वार्थ की बेटा निकल ले बा अरे कौनो जरूरत जब अरे तो हके सताई अब तब तो है ममता माई कया इतना बतिया जो समय गंगा माई काले है दादा भीष्म पितामह के करेजवा में बाढ़ बतिये चुहत है कलंक तू बता दा कि पांचों पांडव धरती पर जीवित हुए कि ना हुए हमसे वो नहीं से मतलब है अब तोहरे जब आवश्यकता पड़ी तोहरे गौरज हुई तो एक दिन खुद ही आए के बेटवा से मिलबू हम ना आई और समय बता दा पांचों पांडव जीवित हुए कि ना हुए गंगा माई बतावत थी का बतौली मास्टर तेरी मित्र भाव अरे दादा कछतिया घायल हो गई अरे दादा कछतिया घायल हो दादा कछतिया घायल हो गई तब पानी अपमान अरे पान अपमान बेथे माई पान अपमान बेथे माई का बतिया दादा का छतिया घायल हो गई
और समय बाबूजी माई गंगा मथारी बताओ थी इनकी बात तो के बताई थे मंत्री विदुर के पास चल जा आंख में आंसू लेके दादा भीष्म पितामह पांचों पांडव का पता लगावे चल दिले हुए तब उस समय बाबू कैसे चल अरे मेरे संग अरे मेरे संग करी डमरू से कालन के मंत्री विदुर से कलन दादा भीष्म पितामह कहीं बतावा हम तो यही बदया ले के पांचों पांडव ये धरती पर जीवित हुआ की मंत्री विदुर कलन के दादा पांचों पांडव धरती पर जीवित हुआ लेकिन हुआ कहा भाव है बलिया जिला में छपरा जिला में जीवा लोग लवंडा बड़ा मशहूर हो खेल दूठ लवंडा होल एक थे गोरखा इनके पति नहीं है एकदम पक्का पेंट रहा ए भैया उखड़ गई है खा गई है अरे कवना करवाले पिया
मंत्री साहब जी है, आप यहाँ के आप कलाकार भी है, देखा लवंडा का था गोड़वा लवंडा मंत्री विदुर से पूछो तो दादा भीष्म पितामह बता दा पांचों पांडव कहाँ हुआ वो बतावत हो था। अरे कुंती के सगावा पांचों पांडव बाली फिर पूछो तुम का कलर सकता अरे हम के बताओ निकला पता हवा होती अरे बन के भिखरिया चितले स्वयंवर में अरे धुरंधर रानी द्रौपदी के पांचों पांडव संगे खैली आई दर दरी ठोकरिया समय जंग छिड़ल गुरु क्षेत्र पांडव मदारी कुंती भीम रुपड़ा मां के
अपन जिंदगी के परिवलिश कर दिन अपन पेट जियाव दिन पांचों पांडव का अब वही राजा चले दिखले रलन ऊपर जैसे बाबूजी महफिल सजल है वही महफिल के बीच में पांचों पांडव मतारी कुंती बड़ा बड़ा लोग बैठे बड़ा राजा चले दिखले ऊपर कढ़ाई है कढ़ाई में तेल है अब मछली का आंख बनावल है राजा चले दिखले कि जेब मछली के आंख में पाड़ मार दे है द्रौपदी के बियाई के बड़ा बड़ा जोधा वीर एलन के ओ सना सफरल ओ समय अर्जुन देखले हुए खलन ई त खलवा हमरे लाए बड़ा सस्ता लौकत है ओ समय बाबूजी धनुष बाण उठैले हुए निशाना लगाए देखे मछरी के आंख में बाण मल्ले हुआ ओ समय द्रौपदी के ले के घरवा आले हुए पथारी कुंती से खलन ए माई निकल आओ बाहर बड़ा सुंदर एक थे अब फल लिया ले माई खाना बनावत रही माई आओ न ताऊ देख ली और देख भाई नहीं कली कली ये बेटा जब सुंदर फल लिया लगा तब पांचों भाई बाट बाट के पांचों भाई बाट बाट के खा ला ता वो कुंती मतारी के बाद रहल पांचों भाई तो यही द्रौपदी दुल्हीन हो गई इतिहास एकदम गवाही करता है ए भैया ये हर दादा भीष्म पितामह जबने समय बाबूजी कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगल है जब लड़ाई लगल है इतना पलवान रहलन इतना पीर रहलन 10,000 हाथी का पल रहा और जितना सामने पीर आवा 10,000 वीर के बाबूजी रोज मार के गिरा हुआ दादा भीष्म पितामह तो उसमें फैल का मार्च आल्हा के प्रभाव है अरे भारत भारत तनवा का पे अरे भारत भारत तनवा का पे अरे चौथे पानवा Yeah.
पितामह कहलन के सुना लोगन जवन तू लोग योद्धा बनत हुआ हमरे आगे ई कु ना चली हाई कुल जवन पांच छह ठे कपड़ छिलवा ले गया हुआ ई कुल के तो ऐसा हम खेलन निहुरा निहुरा ऐसा खेलन के नौ विधान निहुर ले जई हां आहाई देखायल हो टिपुरी देखाई लड़मा बात देखा चलाओ जाल हुआ उसमें बाबूजी दादा भीष्म पितामह खैलन खा कृष्ण भगवान भी रथवान हुआ कौलन के हमके ऐसे कोई मारे वाला एक ठे काम करे के हुई दादा भीष्म पितामह कहत हुआ का कहलन अरे ठीक है नाही देव कौनो अरे ठीक है नाही देव कौनो अरे राना पीरावा पर धोई दे वही दिन मराई सकीला ओ समय अर्जुन रथ पर एक नपुंसक जेके ठेठ भाषा में आप लोग छक्का कहला चटरनिया में धक्का मारल भैया ले आलो वन सामने खड़ा खेले हुए दादा भीष्म पितामह देखले हुए अपन धनुष बाण नीचे रख देले हुए ओ समय अर्जुन इतना पार चलौलन इतना बाण चलौलन कि बाण से दादा भीष्म पितामह का पूरा शरीर छल्ली छल्ली हो गल आ बाबूजी ओस में तबले गंगा माई आई ही जब गंगा माई आई ही बुढ़िया के रूप बनाए के दादा भीष्म पितामह देखलन तो कहलन के माई तू कैसे कौने कारण माई तू यहाँ एलू हो आ कौन तोके मजबूरी है कौन परजेंसी फसल है तू एलू रात को उस समय गंगा माई कलिन के बेटा भुला गई ना बतावत थी गंगा माई का कलिन दादा भीष्म पितामह से
के जरूरत पड़ी तो एक दिन माई अबू मिले तमाम मजबूरी है तो से मिले बे आखिरी मुलाकात हुई कहत है था क्या हुआ सवेरा कुरुक्षेत्र में अरे मचा जग घमसान तो हो के निहत था खा के चोट गिर गई ले भीष्म बलवान तब पान से छाजर भैरी शरीरिया हो समर के बाढ़ के सैया पर सुतावल गेल आवश में मतारी गंगा एक बात आऊ कही का अपने सेवक तैयार और देखा गंगा महारानी तू सुतले सर के सैया पर से पहले बचावा आखिरी मुलाकात बा चल के पिटवा के अपने पानी पिया दी अब ते दुनिया के छोड़ के जाते बड़े माई का ममता बड़ा अनमोल ममता हो खला कहत है का कली दसुबले सर के सैया पर से अरे पियले बचावा पानी ते ज्ञानी भीष्म पाल करिया हो सबर के गुरपतु गुर छैबर के